भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। बरही कोरोना जांच केंद्र में कर्मियों को हो रही है सुविधाओं की कमी, कर्मी परेशान। बरही के प्लस टू उच्च विद्यालय में कोरोना जांच केंद्र बनाया गया, जहां विभिन्न राज्य से लगातार प्रवासी मजदूर स्क्रीनिंग जांच कराने पहुंच रहे हैं। जांच केंद्र में स्वास्थ्य कर्मी, शिक्षा कर्मी एवं प्रशासन कर्मी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं कर्मियों का कहना है कि जांच केंद्र में लगे कर्मियों को किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है। कार्यरत चिकित्सकों ने कहा कि बरही अनुमंडलीय अस्पताल में रात का स्क्रीनिंग कार्य नहीं किया गया, जिसके कारण उक्त जांच केंद्र में काफी भीड़ जमा हो गई। बरही अनुमंडलीय अस्पताल में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रवासियों की जांच की जाती है। साथ ही कहा कि इस जांच केंद्र में एक ही कर्मचारी को बार बार लगाया जा रहा है, जिसके चलते स्वास्थ्य कर्मी, शिक्षा कर्मी में रोष है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक दिन जांच केंद्र को सैनिटाइज करना, लेकिन आज सैनिटाइज नहीं किया गया है। जांच केंद्र में रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन में प्रवासी जांच कराने पहुंच रहे हैं, लेकिन सभी जोनों में भीड़ है। तो क्या प्रॉब्लम आपकी है? यही दिक्कत है, यहाँ जब से आई हूँ 8:30 बजे तक दिक्कत है, बहुत देर से खड़ी हूँ। घर जाना है। कहाँ घर हुई? घर यही हूँ। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बन पा रही है, क्षमता से अधिक जांच के कारण प्रवासी के साथ वहां कार्यरत कर्मियों को भी परेशानी हो रही है। प्रशासनिक कर्मियों ने बताया कि पेयजल, डस्टबिन एवं शौचालय की भी कमी है, यह भी परेशानी का कारण है। गंदगी भरे आलम में भी प्रवासियों को दिया जाने वाला भोजन खाना पड़ रहा है। जांच केंद्र में 14 मई से प्रवासियों को स्क्रीनिंग की जा रही है, जिसमें रेड जोन के 447, ऑरेंज जोन के 271, ग्रीन जोन के 238 लोगों को 16 मई दोपहर तक जांच की गई है। झारखंड के बरही से अमित सोनी एवं कुनकुन सोनी की रिपोर्ट। लोगों को सजेस्ट किया जा रहा है कि आप बाहर से आ रहे हैं, थोड़ा सुरक्षित है, वहां जाने के बाद आप सेल्फ क्वारंटाइन करेंगे, ग्रीन और ऑरेंज वाले होम क्वारंटाइन होंगे, रेड जोन वाले जो है वो पंचायत स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर स्कूल में बनाया गया है, वहां पर क्वारंटाइन होंगे। अपने आप को आइसोलेट करके रखना है, आप अपने को बचाइए, अपनी फैमिली को बचाइए, समाज को बचाइए। यहाँ की जो व्यवस्था है सर, हम पिछले 2 महीने से काम कर रहे हैं इस ड्यूटी में, लगातार हम ड्यूटी हमारी लगाई जा रही है, जबकि ड्यूटी जो है वो रोटेशन वाइज होनी चाहिए थी। हम लोग भी इन्फेक्टेड एरिया में आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं बाहर से, मे भी इन्फेक्शन का चांसेस हम लोगों का भी है, तो हम लोग प्रशासनिक अधिकारी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हम लोग को रिलीव करके नेक्स्ट जो लोग जो बचे हुए हैं उनको ड्यूटी पर लगाया जाए और हम लोग को कुछ दिन के लिए रेस्ट दिया। पिछले हम 30 मार्च से लगातार काम कर रहे हैं और लगातार काम करने से तबीयत भी हमारी खराब हो रही है, फिर भी ड्यूटी लगी हुई है। रही बात सोशल डिस्टेंसिंग की, अगर आप कैमरा घुमाए पीछे, शमियाना कितना बड़ा बात बना है, इसमें अगर 1 मीटर भी आदमी को हम खड़ा कराते हैं, जो हम 5 बार करा चुके हैं, उस टाइम आके आप फोटो नहीं खींचे। हम करवाते हैं तो 5 गो आदमी लाइन में लगेगा और बाकी धूप में। ये प्रवासी मजदूर कई दिनों से खाए नहीं है, उनका भी जीवन है, 5 मिनट अगर धूप में बाहर आ जाए तो बेहोश होकर गिर सकते हैं। यानी मिला जुला के व्यवस्था ठीक से नहीं किया गया है। ठीक है, जैसा कि आप जांच केंद्र में आपको रखा गया है, यहाँ पर जांच केंद्र बरही प्लस टू हाई स्कूल में, तो यहाँ आप लोग, आप तो पारा टीचर हैं, तो आपका क्या क्या सुविधा यहाँ दिया गया है? यहाँ जब से हम लोग सुविधा, तो हम लोग को तो वहाँ पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला गया है, लेकिन हम लोग पानी के लिए डिमांड कर रहे तो पानी की व्यवस्था यहाँ नहीं है, प्लस में आप देख रहे हैं लाइन की व्यवस्था क्या है, सो प्लस में ना ही डस्टबिन का है, सारा बोतल वगैरह खराब रखा हुआ है, बहुत सारे लोग जैसे धूप करते घूमते हैं, उसकी डस्टबिन की व्यवस्था होनी चाहिए। और इसके अलावा आपका सैनिटाइजर वगैरह, दस्ताना या तो चूंकि आदेश है कि हर एक काम करने से पहले पूरा एरिया को सैनिटाइज करना है, तो कल मुखिया जी के द्वारा सैनिटाइज किया गया था, लेकिन आज सैनिटाइज नहीं किया गया।